नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में मानविकी विद्या शाखा में आचार्य संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पुनः आपके समक्ष परास्नातक स्तरीय कक्षा में निर्धारित व्याकरण विषय पर उस चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में जहाँ पर संस्कृत अध्ययन अध्यापन की सुविधा प्राप्त है, वहाँ पर परास्नातक स्तरीय कक्षा में षड्लिंग प्रकरण निर्धारित हुआ करता है पाठ्यक्रम में। हमारे यहाँ भी परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में षड्लिंग प्रकरण का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं रूप सिद्धि की। सर्वप्रथम अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप हम लोग सिद्ध करते हैं। द्विवचन का रूप है रामौ। शब्दों के संदर्भ में दो पक्ष प्रचलित हैं, व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा अव्युत्पत्ति पक्ष। अव्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्तद्यत समासाश्च क्योंकि रम क्रीडायाम धातु से करणाधिकरणयोश्च सूत्र से घ प्रत्यय करके राम शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है रमन्ते योगिनः यस्मिन्, रमण करते हैं योगी जहां पर, रमण करते हैं योगी जिसमें, वह है राम। तो व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्तद्यत समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल क्या है? कहते हैं न्याप प्रातिपदिकात्। प्रातिपदिक से प्रत्यय का होना, ये प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल है। न्याप प्रातिपदिकात्, न्यंत, आबंत और प्रातिपदिक, इनसे क्या होता है? तो कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय हुआ करता है परश्च। ये परत्व विधायक सूत्र है, अर्थात बाद में। प्रातिपदिक से परे प्रत्यय हुआ करता है। ये प्रत्यय कौन है? तो सूत्र है स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस ताभ्याम भ्यस नेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसु। इस सूत्र की प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय संज्ञा हो जाती। द्वयेक योर द्विवचनैक वचने, हमें सिद्ध करना है राम शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन के। तो द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र से द्विवचन की विवक्षा में हमने राम प्रातिपदिक से औट प्रत्यय किया, और औट में टकार का अनुबंध लोप हो जाता है, केवल औकार शेष रहता है। स्थिति बनती है राम औ। मकार उत्तरवर्ती अकार अच प्रत्याहार का अवरण है। मकार उत्तरवर्ती अकार अवरण है और उससे परे एच प्रत्याहार का वर्ण औकार विद्यमान है, इसलिए वृद्धि रेच से
पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है। किंतु ये जो अवकार है ये द्विवचन का रूप है, द्विवचन का प्रत्यय है, औट प्रत्यय से इसकी प्रत्यय संज्ञा है और द्विवचन का प्रत्यय है। मकार उत्तरवर्ती अकार अक प्रत्याहार का वर्ण है, तो अक प्रत्याहार से परे द्विवचन प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय हो तो वृद्धिरेचि से प्राप्त वृद्धि को बाधकर प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ करता है। किंतु मकार उत्तरवर्ती अकार अवर्ण है और उससे परे इच प्रत्याहार का वर्ण औकार विद्यमान है, इसलिए प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से प्राप्त सवर्ण दीर्घ को बाधकर प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से प्राप्त या सवर्ण दीर्घ का बाध हो गया नादिच सूत्र से। जब अब यहां पर देखना यह है कि वृद्धिरेच से प्राप्त वृद्धि को बाध किया प्रथमयोः पूर्व सवर्णः ने और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः को बाध किया नादिचि ने, तो अब क्या होगा? तो पुनः वृद्धिरेचि से वृद्धि हो जानी चाहिए। वृद्धिरेचि से वृद्धि होती है तभी एक न्याय आता है और वह न्याय है देवदत्त हंत्रिहतन न्याय। देवदत्त हंत्रिहतन न्याय कहता है कि देवदत्तस्य हंतरिहते देवदत्तस्य पुनरुज्जीवनम न भवति, अर्थात देवदत्त के मारने वाले के मारे जाने पर, देवदत्त के मारने वाले के मारे जाने पर देवदत्त का पुनरुज्जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक जिसकी हत्या हो गई वह जीवित फिर कैसे हो सकता है। देवदत्त हंत्रहतन्याय यही कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोक में यह देखा जाता है कि मारने वाले के मारे जाने पर, लोक में यह देखा जाता है देवदत्त हंत्रहतन्याय, देवदत्त के मारने वाले के मारे जाने पर देवदत्त का पुनरुज्जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर वृद्धिरेचि से वृद्धिरेचि को बाध किया प्रथमयोः पूर्व सवर्णः ने और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः को बाध किया नादिचि ने, तब यह एक समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर होगा क्या। तब एक परिभाषा आती है अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थिति, अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थिति, उत्सर्गस्य सामान्यस्य।
वृद्धिरेचि सामान्य सूत्र है और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः यह अपवाद सूत्र है और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः का निषेध किया नादिचि ने, इसलिए अपवादे निषिद्धे, अपवाद के निषेध हो जाने पर उत्सर्गस्य सामान्यस्य स्थिति ही सामान्य की स्थिति होती है। वो जो समस्या उत्पन्न हुई थी कि आखिर कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा, इस समस्या का समाधान किया परिभाषा सूत्र अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थिति ने, और इस परिभाषा से पुनः वृद्धिरेचि से, वृद्धिरेचि से पूर्व और पर दोनों के स्थान में मकार उत्तरवर्ती अकार और आउट का उकार, मकार उत्तरवर्ती अकार अवर्ण है और उससे परे एच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है, इसलिए वृद्धिरेचि से वृद्धि हो करके रामो रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजंत पुल्लिंग राम शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप के की सिद्धि में सर्वप्रथम हम राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और उसके पश्चात न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इस सूत्र की सहायता से द्वयेकयोर् द्विवचनैक वचने द्विवचन की विवक्षा में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औट प्रत्यय और फिर सर्व प्रथमयोः पूर्व सवर्णः नादिचि इत्यादि सूत्र का प्रयोग करते हुए अंत में वृद्धिरेचि से पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धिरेकादेश होकर के द्विवचन का रूप, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप रामौ सिद्ध हुआ। अगली कक्षा में हम लोग पुनः एक नए रूप की सिद्धि के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।